निलंबित कराओ, निलंबित कराओ, निलंबित कराओ, पुलिस के गुंडा को निलंबित कराओ, निलंबित कराओ, निलंबित कराओ, यही निकोपे अत्याचार, यही चलेगा, यही चलेगा, यही निकोपे अत्याचार, यही चलेगा, यही चलेगा। दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 तो आपने देखी ही होगी, जिसके एक सीन में आर्मी ऑफिसर टाइगर श्रॉफ पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अफसर को थप्पड़ मार देता है। उसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है। पहले टाइगर श्रॉफ पुलिस थाने के अफसरों और हवलदारों को पीटता है और उसके बाद पुलिस वाले उसे पीट देते हैं। कुछ ऐसा ही रियल लाइफ में हुआ है, वो भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। मुख्यमंत्री मोहन यादव के वीआईपी मूवमेंट के दौरान भारतीय सेना के मेजर और ट्रैफिक पुलिस के एक जवान के बीच एक्सीडेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि सेना के मेजर और ट्रैफिक जवान के बीच मारपीट तक बात पहुंच गई। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और सेना के मेजर को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ थाने ले गई। हंगामे की बात सुनकर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और दोनों ही पक्षों को थाने में पहुंचा दिया। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगा रहे हैं। अब मेजर से मारपीट को लेकर आर्मी के अफसर और जवानों ने ऊर्जा मंत्री के आवास का घेराव कर नारेबाजी की। निलंबित कराओ, निलंबित कराओ, निलंबित कराओ, पुलिस के गुंडा को निलंबित कराओ, निलंबित कराओ, निलंबित कराओ, यही निकोपे अत्याचार, यही चलेगा, यही चलेगा, यही निकोपे अत्याचार, यही चलेगा, यही चलेगा। उनकी मांग है कि ट्रैफिक जवान को सस्पेंड किया जाए। अब समझिए पूरा मामला क्या है। दरअसल जब मुख्यमंत्री का काफिला कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग के बाद शहर से गुजर रहा था, तब ट्रैफिक पुलिस ने MITS कॉलेज के बाद इंद्रमणि नगर चौराहे समेत कई जगहों पर नाकेबंदी की हुई थी। तभी उसी जगह मेजर आशीष चौहान की गाड़ी से दूसरी गाड़ी टकरा गई। इस दौरान कार में उनकी पत्नी, बहन और एक दोस्त भी थी। मेजर आशीष चौहान फिलहाल उदयपुर में पोस्टेड है। दूसरी गाड़ी वाले ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस वाले ने दखलंदाजी की, जिसके बाद उसकी सेना के मेजर के साथ हाथापाई शुरू हो गई, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। तभी वहां से क्राइम ब्रांच की गाड़ी गुजर रही थी, जिसके बाद अफसरों ने दखलंदाजी की और सेना के मेजर को थाने ले गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और पूछताछ के लिए दोनों ही पक्षों को थाने लाया गया। हमारी मांग ये है कि चारों दोषी हैं जो पुलिस कर्मी, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और भारतीय सेना के जो मेजर साहब का, पूरी भारतीय सेना का अपमान किया है, गाली गलौज किया है सेना के साथ, उनके साथ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो, निलंबित किया जाए। हमारी ये मांग है, उन पे FIR हो और जो भारतीय सेना का मान सम्मान है, ग्वालियर चंबल संभाग की जो भूमि है शहीदों की, इसका वीर भूमि का जो नाम है, उसका आज पुलिस के द्वारा, मध्य प्रदेश के पुलिस के कॉन्स्टेबलों के द्वारा इसको धूमिल किया है और इसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। ट्रैफिक पुलिस जवान और सेना के मेजर दोनों ने ही एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। एक तरफ मेजर की पत्नी का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने गलत तरीके से उनको रोका, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। उनका आरोप है कि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने जबरन उनके पति को हिरासत में ले लिया। जब उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उनके साथ भी बदसलूकी की गई। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वह इस मामले की जांच कर रही है और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।